हाई गाइस, हाउ आर यू? ऑल गुड? तो बच्चों, हम लोग अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर चैप्टर स्टार्ट कर चुके हैं, और इसमें मैंने लास्ट वीडियो में आप लोग को बताया था फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ फिनॉल। तो मीन्स हमारी अल्कोहल और फिनॉल की फिजिकल प्रॉपर्टी हो गई है, तो इसके बाद हम लोग को क्या करना है? केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्कोहल्स। तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ में हम लोग स्टडी क्या करते हैं? एक्चुअली में केमिकल प्रॉपर्टीज़ में हम देखते हैं कि जो भी हमारा कंपाउंड है, जैसे अभी आज हम लोग को अल्कोहल की स्टडी करनी है, तो अल्कोहल्स में कौन से बॉन्ड ब्रेक होंगे और किस तरह का वो मतलब प्रोडक्ट हमको फॉर्म करेगा। मीन्स अगर हम अल्कोहल की रिएक्शन एसिड क्लोराइड के साथ कराएँ, या एसिड के साथ, या उसका ऑक्सीडेशन कराएँ, रिडक्शन कराएँ, तो क्या फॉर्म होगा? पहले कौन सा ओल्ड बॉन्ड ब्रेक होता है और कौन सा न्यू बॉन्ड फॉर्म होता है, ये सारी चीज़ें ही हम लोग को केमिकल प्रॉपर्टीज़ में देखनी होती है। तो अगर हम अल्कोहल की बात करें, तो अल्कोहल क्या होता है? ROH। तो इसमें सबसे पहले जो बॉन्ड वीक हम लोगों को दिख रहा है वो है हाईली पोलराइज OH बॉन्ड। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड हाईली पोलराइज जो रहेगा। व्हाई? बिकॉज इलेक्ट्रो नेगेटिविटी डिफरेंस, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रो नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा होती है, तो वो क्या करेगा? शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को अपने टूवर्ड्स अट्रैक्ट कर लेगा, और ऑक्सीजन पे आ जाएगा पार्शियल नेगेटिव और हाइड्रोजन पे पॉजिटिव। तो सबसे पहले तो OH बॉन्ड ही इसमें क्लीवेज करेगा। बट इसमें अल्कोहल में सिर्फ और सिर्फ OH बॉन्ड क्लीव नहीं करता है, इसके अलावा इसमें CO बॉन्ड भी ब्रेक करता है। क्यों? क्योंकि हम अगर अल्कोहल्स की बात करें तो अल्कोहल हमारे 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री, 3 टाइप्स के होते हैं। तो अगर मैं 1 डिग्री की बात करूँ बच्चों, ये तो 1 डिग्री में जो पोलराइजेशन है वो सबसे ज़्यादा OH का होगा, क्योंकि यहाँ पे प्लस आई इफेक्ट वाला सिर्फ एक ही ग्रुप है। लेकिन अगर मैं 2 डिग्री की बात करूँ, ये हमारा 2 डिग्री अल्कोहल है, तो यहाँ पे जो पोलैरिटी बन रही है वो OH की तो बनेगी ही बनेगी, लेकिन साथ में प्लस आई इफेक्ट पता है सभी बच्चों को कि क्या होता है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगे हुए हैं, तो ये क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ऑलरेडी इसकी और बढ़ा रहे हैं, तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक ना होके चांसेस क्या बन रहे हैं अभी, 50-50% चांस है कि ये वाला भी बॉन्ड ब्रेक हो सकता है और ये भी बॉन्ड, मतलब ऑक्सीजन यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन पेयर ले सकता है, इस इलेक्ट्रॉन को खींच सकता है, इस वाले इलेक्ट्रॉन पेयर को भी अपने टूवर्ड्स अट्रैक्ट कर सकता है। ओके, नाउ अगर हम लोग 3 डिग्री की बात करें बच्चों, तो 3 डिग्री में प्लस आई इफेक्ट और ज़्यादा इंक्रीज कर जाता है। ये भी है, 3-3 अल्काइल ग्रुप है, 3-3 जो हमारे इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है वो हम लोग को दिख रहे हैं। तो अभी हमारा ये वाला बॉन्ड पोलराइज ना होकर ये वाला बॉन्ड पोलराइज होके टूटेगा, क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी तीनों तरफ से बहुत ज़्यादा बन रही है, बड़े बड़े प्लस आई इफेक्ट वाले ग्रुप लगे हुए हैं, अल्काइल ग्रुप लगे हैं, तो ये ऑलरेडी बोलेंगे भाई कि तुम इस बंदे से, इससे इलेक्ट्रॉन मत खींचो, ये तो वैसे ही बहुत ज़्यादा गरीब है, हम तुम लोग को दे रहे हैं तो भाई तुम हमारा ले लो, ये वाला इसका इलेक्ट्रॉन मत छीनो। तो यहाँ पर पॉसिबिलिटी 100% पॉसिबिलिटी बनेगी कि हमारा CO बॉन्ड क्लीव हो। मीन्स अगर हम लोग बात करें बच्चों केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल्स में ओल्ड बॉन्ड ब्रेक होने की, तो वहां पर हमारा क्लीवेज OH का 1 डिग्री के केस में होगा। अगर 2 डिग्री है तो चांसेस बन रहे हैं मीन्स OH भी हो सकता है, CO भी, और कुछ केसेस में हम देखेंगे कि बोथ CO बॉन्ड भी ब्रेक हुआ है और OH भी ब्रेक हुआ है कुछ स्पेशल कंडीशन में। लेकिन 3 डिग्री की बात करें हम, तो CO बॉन्ड क्लीव करता है, ठीक है। तो टोटल 3 टाइप से ये बॉन्ड को क्लीव करेगा, तो हम ये तीनों टाइप की रिएक्शंस को यहाँ पर 1 by 1 देखेंगे कि OH बॉन्ड अगर क्लीव करता है तो किस तरह की रिएक्शन होती है। तो केमिकल प्रॉपर्टीज हेडिंग लगा लो आप, केमिकल properties of alcohols और इसमें सबसे first जो type का bond है बच्चों reaction involving cleavage of OH bond and the second type is
रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ CO bond and the third reaction involving cleavage of both CO and OH bond. तो थ्री डिफरेंट टाइप के बॉन्ड अल्कोहल्स में क्लीव करते हैं और उसकी वजह से ये डिफरेंट डिफरेंट केमिकल प्रोडक्ट्स हमको देंगे, केमिकल रिएक्शंस हम लोगों को देखने को मिलेगी. तो वन बाय वन हम लोग इन तीनों को ही डिस्कस करने वाले हैं. सबसे फर्स्ट हम लोग करने वाले हैं बच्चों रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड. OH बॉन्ड ब्रेक होने से ये किस तरह की प्रॉपर्टीज़ को दिखा रहे हैं, इसका जो नेचर है वो क्या बता रहा है और किस किस तरह की रिएक्शंस देंगे. मीन्स मेटल के साथ अगर हम इसको रिएक्ट करें तो OH बॉन्ड क्लीव करने के बाद क्या प्रोडक्ट बन रहा है, इसका नेचर क्या, ये सारी चीज़ें हम लोग इसमें डिस्कस करें. तो पहले तो आप इसको नोट करिए, फिर हम लोग करते हैं डिस्कस वन. तो बच्चों OH बॉन्ड क्लीव करने से सबसे पहला जो इसका नेचर आएगा वो आएगा हमारा एसिडिक नेचर. या हम वो लिख सकते हैं इसको एसिडिक कैरेक्टर. तो यहां मैं एक पॉइंट लिख दूं, अल्कोहल्स आर वेरी वीक एसिड देन फीबल वाटर. वाटर से भी ये बहुत ज़्यादा वीक एसिड है. अब सोच सकते हैं आप लोग इतने वीक एसिड हैं कि ये ऐसा नहीं, जैसे एसिड का नेचर क्या होता है कि ये क्या कर सकते हैं, तो ये ब्लू लिटमस को रेड कर सकते हैं, बट ये ऐसा नहीं करते. बल्कि जो हम मैं बोल रही हूँ कि वाटर से भी बहुत ज़्यादा वीक एसिड है, लेकिन एसिड है. तो भाई एसिड क्यों है, क्योंकि ब्रॉन्स्टन लॉरी क्या बोलते हैं कि एसिड कौन होते हैं, वैसे कंपाउंड जो प्रोटॉन को रिलीज़ करें, तो ये प्रोटॉन को रिलीज़ कर रहा है इसलिए ये ब्रॉन्स्टेड एसिड है. और जो प्रोटॉन को क्या करे, एक्सेप्ट करे, वो उनके अकॉर्डिंग ब्रॉन्स्टन लॉरी के अकॉर्डिंग क्या होते हैं, बेस होते हैं. तो एक्चुअली में होता क्या है, जितने भी वन डिग्री अल्कोहल्स होते हैं वो ईजीली एच प्लस को लूज कर देते हैं कुछ इस तरह से, इसीलिए ये ब्रॉन्स्टेड एसिड है. अब ये इसका कॉन्जुगेट बेस है, अल्कोहल यहां पे एसिड की तरह बिहेव कर रहा है क्योंकि ये प्रोटॉन को रिलीज कर रहा है. अब मैंने यहां पे बोला कि भाई ये वाटर से भी बहुत ज्यादा वीकर एसिड है, मीन्स अल्कोहल्स आर वीकर एसिड देन वाटर. Why? तो भाई अल्कोहल से ज़्यादा वीक होने का रीज़न क्या है, तो पहले आपको ये समझना हो कोई भी चीज़ एसिड क्यों अच्छी होती है. गुड एसिड किसको बोलेंगे हम और बैड एसिड किसको बोलेंगे. तो गुड एसिड क्या होता है, जो जितनी इजीली प्रोटॉन को रिलीज़ कर दे, जो जितनी इजी जितनी फटाक से मतलब प्रोटॉन को रिलीज़ कर रहा है वो उतना ही गुड एसिड है. इसके बाद दूसरी इंपॉर्टेंट कि उसका कॉन्जुगेट बेस कैसा होना चाहिए, ये होना चाहिए स्टेबल. अगर ये स्टेबल नहीं है तो ये एक अच्छा एसिड नहीं है. तो अभी हम दोनों को कंपेयर करते हैं. तो यहाँ देखो कि मैंने यहाँ पे अभी लिख लिया है वाटर, और वाटर में भी ये जो एच प्लस है वो आसानी से बाहर निकल जाएगा. अब किसका एच प्लस जल्दी निकलेगा, इसको हमें कंपेयर करना है, और किसका कॉन्जुगेट, इसका कॉन्जुगेट बेस है, किसका कॉन्जुगेट बेस ज़्यादा स्टेबल है. अब इन दोनों चीज़ों को हम देखेंगे. तो पहले पहली चीज़ देखते हैं हम लोग कि अल्कोहल में H प्लस का निकलना आसान है कि वाटर में. दिस इज वाटर, वाटर भी एसिडिक बिहेवियर दिखाता है ब्रॉन्स्टन लॉरी कॉन्सेप्ट से कि H प्लस को ये रिलीज़ करता है, प्रोटॉन को ये रिलीज़ करता है. तो देखो यहाँ पर ऑक्सीजन के बिल्कुल लेफ्ट में क्या है हमारा
एल्काइल ग्रुप जो कि प्लासा इफेक्ट दिखाता है, मतलब इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को इंक्रीज कर रहा है। अब जब ये बोल रहा है कि भाई मैं आपको इलेक्ट्रॉन दे रहा हूँ, तो ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन क्यों खींचेगा? मतलब यहाँ पर ये कन्फ्यूज हो गया, ऑक्सीजन यहाँ पे कन्फ्यूज हो जाएगा कि मैं इससे इलेक्ट्रॉन ले लूँ या इससे लेके, क्योंकि इसको तो इलेक्ट्रॉन लेना है कि किसी से भी ले ले, कार्बन से ले ले या हाइड्रोजन से ले ले, लेकिन यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं है। वाटर के केस में हाइड्रोजन कभी नहीं बोलेगा, दोनों तरफ हाइड्रोजन है, यहाँ पर कोई प्लसा इफेक्ट वाला ग्रुप नहीं है, कोई अल्काइल ग्रुप नहीं है, यहाँ पे दोनों तरफ हाइड्रोजन ही है। तो अभी ये आसान हो गया यहाँ पे कि भाई मुझे किसी एक से तो लेना ही है, चाहे वो इस वाले हाइड्रोजन का ले ले चाहे इस, मतलब यहाँ पर H प्लस निकलना ही निकलना है, यहाँ कोई कन्फ्यूजन नहीं है, ऑक्सीजन H प्लस बाहर निकाल के ही रहेगा, लेकिन यहाँ पर है ड्यू टू प्लस आई इफेक्ट। मीन्स पहले वाले केस में तो वाटर जीत गया, अब चलो दूसरा केस देखते हैं। तो दूसरा केस क्या था हमारा, कि कॉन्जुगेट बेस क्या होना चाहिए, स्टेबल होना चाहिए। तो कॉन्जुगेट बेस स्टेबल कब होगा, जब ये नेगेटिव चार्ज हमारा कम हो जाए। देखो कोई भी चार्ज स्पीशीज और एक न्यूट्रल स्पीशीज, तो चार्ज स्पीशीज जो होती है वो हाईली अनस्टेबल होती है, वो अपने चार्ज को कम करना चाहती है। अब यहाँ पे चार्ज क्या है, नेगेटिव चार्ज, मीन्स इसके पास इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज़्यादा है ऑक्सीजन के ऊपर, और यहाँ पे एक ऐसा ग्रुप है जो कि प्लसा इफेक्ट वाला है, मतलब इलेक्ट्रॉन को देने वाला, तो मीन्स ऑलरेडी इसके ऊपर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, ये और उसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है। अरे ये बात समझ में, कि ऑलरेडी ये बोल रहे हैं कि मेरे पास मेरे सर के ऊपर बोझ है और ये और दे रहा है, तो क्या होगा, और अनस्टेबल होगा ना, ये स्पीशीज और ज़्यादा अनस्टेबल हो रही है। तो अनस्टेबल हो रही तो स्टेबल करने के लिए क्या कर लेगी, ये क्या करेगी, अपने चार्ज को कम, क्योंकि ऑलरेडी ये भी इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को बढ़ा रहा है, तो इसको लगेगा कहीं से भी कोई आ जाए मेरे पास, इस तरह का प्रोटॉन वाला बंदा, कोई प्रोटॉन आ जाए जिसको कि इलेक्ट्रॉन चाहिए, मैं उसको अपना इलेक्ट्रॉन दूँ और अपना जो सर का बोझ है उसको थोड़ा कम कर लूँ। मीन्स इसका एल्कोक्साइड ग्रुप जो है, जो कॉन्जुगेट बेस है, वो अनस्टेबल है। अनस्टेबल होने का भी रीज़न वही बात आ रही है, प्लसा इफेक्ट। प्लसा इफेक्ट की वजह से अल्काइल ग्रुप इसके इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को कम नहीं कर रहा है, बढ़ा दे रहा है, बढ़ा रहा है, तो इसका कॉन्जुगेट बेस कैसा हो जा रहा है, अनस्टेबल। लेकिन यहाँ देखो, यहाँ कोई अल्काइल ग्रुप नहीं है, यहाँ इसकी डेंसिटी को कोई नहीं बढ़ा रहा, मतलब अगर ये 5 मिनट तक इस तरह रह रहा है तो ये 10-15 मिनट तक भी रह सकता है, क्योंकि इसके सर पे उतना ज़्यादा बोझ देने वाला कोई बंदा नहीं है। हाइड्रोजन थोड़ी ना देगा, हाइड्रोजन का तो ऑलरेडी इसने एक लिया हुआ, उसके पास एक ही रहता है, वो थोड़ी ना इसकी डेंसिटी को बढ़ा देगा। मतलब दोनों ही केस में हमारा जो वाटर है वो जीत जाता है, इसीलिए ये एक अच्छा एसिड है इन कंपैरिजन टू अल्कोहल। अब दूसरी बात, अब इसका एल्कोक्साइड आयन अगर मैं बोलूँ तो, चलो मैं नीचे ही कर देती हूँ, ये है इसका एल्कोक्साइड आयन, और जैसे ही वाटर के साथ इसको हम रिएक्ट कराते हैं तो ये क्या करेगा, वाटर क्या करता है, H प्लस को रिलीज करता है, उसके H प्लस को ये एक्सेप्ट कर लेता है, ध्यान देना मेरी बात, उसके H प्लस को ये एक्सेप्ट कर ले रहा है। और ब्रॉन्स्टेड लॉरी कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, जो भी प्रोटॉन को एक्सेप्ट करे वो बेस है, वो क्या है, बेस। तो यहाँ पर ये किसकी तरह बिहेव कर गया, बेस की तरह। मीन्स एक एसिड को कभी भी प्रोटॉन को एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए, नहीं तो उसका एसिडिक जो नेचर है या करेक्टर है वो तो फिर खतरे में पड़ जाएगा, क्योंकि एसिड का मतलब प्रोटॉन देना, प्रोटॉन लेना नहीं, और यहाँ ये वाटर के प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर ले रहा। रीज़न क्या बताया मैंने, इसका कॉन्जुगेट बेस हाईली अनस्टेबल हो जाता है, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को ये जल्दी से जल्दी चाह रहा है कि कम हो जाए, क्योंकि ऑलरेडी ये भी बढ़ा रहा है। तो ये दोनों चीज़ें प्रूफ कर रही हैं, ये रिएक्शन प्रूफ कर रहा है कि जो एल्कोहल्स होता है वो वाटर से काफ़ी वीक एसिड है। तो अगर हम एसिडिक ऑर्डर लिखें तो एसिडिक ऑर्डर में एल्कोहल वीकर एसिड है देन वाटर के, तो ये इसका एसिडिक ऑर्डर हो गया। वाटर जो है हमारा अल्कोहल के कंपैरिजन में स्ट्रॉन्गर एसिडिक बिहेवियर, एसिडिक करेक्टर रखता है। तो मैंने इसके रीजंस बता दिए, आप लोग उसको नोट करो, फिर हम लोग इसके कुछ रिएक्शंस देखते हैं। ओके,
तो अभी हम लोगों ने कंपैरिजन देखा। इसके अलावा मैं अल्कोहल, जो डिफरेंट टाइप ऑफ अल्कोहल्स होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी, उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ को भी हम लोग कंपेयर करते हैं कि किसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा, कौन सा ज़्यादा एसिडिक होगा। तो सबसे पहले तो आप इस चीज़ को नोट कर लो कि वाटर इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन अल्कोहल। अब इसका रीज़न क्या है? तो इसका रीज़न है अल्कोहल में क्या प्रेजेंस होता है, अल्काइल ग्रुप, जो कि इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होता है, मीन्स ड्यू टू प्लस है इफेक्ट ऑफ अल्कोहल। ओके, तो अब ये एक चीज आप नोट करो। इसके बाद हम लोग कंपेयर करते हैं अच्छा चलो अरेंज कर लेते हैं ना, अरेंज एसिडिक करेक्टर ऑफ डिफरेंट अल्कोहल्स। अब यहाँ पे हम लोगों को जो डिफरेंट टाइप ऑफ अल्कोहल्स हैं, मीन्स प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी, उसको हम लोग ऑर्डरली अरेंज करते हैं। तो सबसे अच्छा बच्चों जो एसिडिक बिहेवियर दिखाएगा वो प्राइमरी अल्कोहल होगा। क्यों होगा उसका भी रीज़न मैं बताती हूँ, एंड देन सेकेंडरी अल्कोहल, और उसके बाद हमारा टर्शरी अल्कोहल होगा। अब उसका रीज़न समझिए आप लोग कि प्राइमरी अल्कोहल है तो हमारा प्लस आई इफेक्ट के लिए सिर्फ एक ही ग्रुप है, लेकिन अगर सेकेंडरी है तो जैसे जैसे प्लस आई इफेक्ट इंक्रीज करता है, जैसे जैसे प्लस आई इफेक्ट इंक्रीज करेगा, वैसे वैसे हम लोगों का जो OH बॉन्ड की पोलैरिटी है बच्चों वो डिक्रीज होती जाएगी। यहाँ पे CO बॉन्ड क्या होता जाएगा, पोलराइज होते जाएगा, और इजीली यहाँ पर CO बॉन्ड ही क्लीव करेगा, यहाँ पे OH बॉन्ड क्लीव ही नहीं करेगा। और OH बॉन्ड अगर क्लीव नहीं करेगा तो प्रोटॉन रिलीज ही नहीं होगा। तो सबसे पहले जो OH बॉन्ड क्लीव करेगा वो 1 डिग्री का होगा, क्योंकि यहाँ पे एक ही अल्काइल ग्रुप, एक ही इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, और यहाँ पर कितने अपने 2 हैं, तो ये भी यहाँ से प्लस आई इफेक्ट शो करेगा, यहाँ से ये भी करेगा। ओके, तो यहाँ पर CO बॉन्ड भी क्लीव कर सकता है और OH भी, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर तो CO बॉन्ड ही क्लीव करेगा ड्यू टू प्लस आई इफेक्ट। तो ये ऑर्डर है हमारा, एसिडिक जो नेचर है डिफरेंट अल्कोहल्स में वो ये है। तो प्राइमरी अल्कोहल्स आर स्ट्रॉन्गर एसिड दैन सेकेंडरी और टर्शरी पर हम लोग बोले, ठीक है। तो आप इसको नोट करिए। नाउ नेक्स्ट रिएक्शन हम लोग बच्चों देखते हैं, रिएक्शन विद मैटर एंड मेटल हाइड्राइड्स, दोनों को ही हम लोग देख लेते हैं एक ही बार में, मेटल हाइड्राइड। तो जब OH बॉन्ड क्लीव कर रहे हैं, मतलब हम लोग बात कर रहे हैं किसकी, प्राइमरी अल्कोहल्स की, तो प्राइमरी अल्कोहल्स अगर अल्कली मेटल्स जो हाईली रिएक्टिव्स होते हैं, कोई भी अल्कली मेटल ले लो या कोई भी हाईली रिएक्टिव मेटल ले लो, अगर उसके साथ ये रिएक्ट कर रहे हैं बच्चों, तो हम लोगों को मिल रहा है सॉल्ट। ये बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड देखो ब्रेक हो जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव। सोडियम क्या करते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन रिलीज़ करेंगे, हाईली रिएक्टिव है, मेटल है, तो ये इलेक्ट्रॉन को रिलीज़ करेंगे। अब ये इलेक्ट्रॉन जो रिलीज़ करेंगे वो इसको मिल जाएगा और यहाँ पर सोडियम आ जाएगा, तो यहाँ हाफ मोल H2 गैस इवॉल्व होगी। ये मिल गया हम लोगों को सोडियम अल्क ऑक्साइड, दिस इज सॉल्ट, ये हमारा अल्कोहल का सॉल्ट है, और ये है हमारा 1 डिग्री का अल्कोहल
जिसमें OH बॉन्ड क्लीव करके किस तरह से मेटल के साथ ये रिएक्ट कर रहा है, और यहाँ पर इसका नेचर कैसा है, एक एसिड की तरह। और हमको पता है कि जो भी मेटल्स होते हैं वो किसकी तरह बिहेव करते हैं, बेस की तरह, ये इलेक्ट्रॉन रिलीज करते हैं और ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं जितने भी हैं। तो ये प्रोटॉन को रिलीज़ किया और इजीली सोडियम के साथ रिएक्ट करके सोडियम एल्कोक्साइड फॉर्म कर लेता है। एक और रिएक्शन हम लोग देख लेते हैं इसकी, मैंने ले लिया इस बार मिथेनॉल और सोडियम या पोटेशियम हम ले लेंगे, और यहाँ हम लोगों को मिल जाएगा, चलो इसको मैं बैलेंस कर देती हूँ इस बारी। तो ये बन गया हमारा 2 moles ऑफ सोडियम मिथॉक्साइड, और साथ में बन जाएगा बच्चों हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रही है, ये रिएक्शन हम लोग की बैलेंस होगी। तो इस तरह से जो भी हमारे अल्कोहल्स होते हैं प्राइमरी अल्कोहल्स, वो अल्कली के साथ ये हाईली रिएक्टिव मेटल के साथ रिएक्ट करके फॉर्म करते हैं सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। ओके, अब मेटल हाइड्राइड के साथ ये किस तरह की रिएक्शन करेंगे, तो पहले आप इसको नोट करो, फिर मैं यहीं पर बता देती हूँ। तो चलिए नोट कर लिया आप लोगों ने, अब मैं यहाँ पर ही इसको बता देती हूँ। तो इस बार मैं ले लेती हूँ यहाँ पे सोडियम हाइड्राइड, क्योंकि एक मेटल हाइड्राइड लेना है। तो फिर से यहाँ पर वही चीज़ होनी है, क्या हो जाएगा बच्चों, ये वाला जो सोडियम है वो इसके साथ, और ये हाइड्रोजन इसके साथ आके H2 बना लेगा। मीन्स इस बार भी हमको सोडियम एल्कोक्साइड मिला, मीन्स सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस ही बन रही है। अगर हम लोग मेटल हाइड्राइड के साथ भी इसको रिएक्ट करें, मीन्स यहाँ पर ये बेस की तरह ही बिहेव कर रहा है। अगर इसके अलावा मैं ये वाली ही रिएक्शन को ले लूँ, मिथेनॉल ही ले लूँ, तो मिथेनॉल रिएक्ट विद सोडियम हाइड्राइड टू फॉर्म सोडियम मिथॉक्साइड, टू फॉर्म सोडियम मिथॉक्साइड, और हाइड्रोजन गैस यहाँ इवॉल्व हो रही है सोडियम मिथॉक्साइड। और बिल्कुल ऐसे ही हम लोग इथेनॉल के साथ भी देख सकते हैं, चलिए मैं उसमें ही बता देती हूँ। इथेनॉल के साथ भी जल्दी से ये यहाँ से बॉन्ड क्लीव करेगा, और इस बार भी मैं सोडियम हाइड्राइड ही ले लेती हूँ। ये बॉन्ड यहाँ पर देखो इस तरह से ब्रेक कर गया, ये पॉजिटिव और ये हाइड्रोजन, और यहाँ पर बन जाएगा बच्चों C2H5O Na and H2 गैस इवॉल्व होगी, और जो इसका नेम होगा बच्चों दिस इज सोडियम एथॉक्साइड। तो ये सारी रिएक्शन बच्चों प्रूफ कर रही हैं कि जो हमारा अल्कोहल है वो एसिडिक बिहेवियर शो करता है, एक एसिड की तरह ये बिहेव कर रहा है, तभी ये प्रोटॉन को रिलीज कर रहा है और बेस के साथ रिएक्ट करके ये सॉल्ट बना रहा है। क्योंकि एसिड बेस रिएक्शन जो होती है, जिसको हम लोग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं, उसमें एसिड रिएक्ट करता है बेस के साथ और क्या बनाता है, सॉल्ट बनाता है। तो बिल्कुल वैसा ही यहाँ पर अल्कोहल भी हम लोग को बिल्कुल सेम रिएक्शन दे रहा है। तो ये सारी रिएक्शन भी प्रूफ करती हैं कि जो अल्कोहल्स होते हैं उनका नेचर या उनका जो करैक्टर होता है वो एसिडिक होता है। ओके, तो चलिए जल्दी से नोट करिए, फिर मैं आगे की रिएक्शन बताती हूँ। तो बच्चों नेक्स्ट जो रिएक्शन है हमारी है वो है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ, और आप लोगों को पता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होता है, तो चलिए देखते हैं। रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट, तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ अल्कोहल की रिएक्शन अगर हम देखें, और फिर से हम बात कर रहे हैं 1 degree अल्कोहल की ही, और व्हाट इज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, तो दिस RMGX, और RMGX आप लोगों को पता है कि कौन सा बॉन्ड यहाँ पे हाईली पोलराइज होगा, कार्बन एंड मैग्नीशियम वाला,
मैग्नीशियम मेटल है, नॉन मेटल है, और यहाँ पर ऑक्सीजन नेगेटिव और ये पॉजिटिव। ड्राई ईथर यूज़ करना है हमको, क्या हो जाएगा यहाँ पर, इस नेगेटिव के साथ ये वाला पॉजिटिव वाला पार्ट आ जाएगा, और R के साथ सबसे पहले हम इसको बना लें। तो दिस इज़ अल्केन, मीन्स यहाँ पर अगर हम अल्कोहल की रिएक्शन बच्चों ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ GR के साथ कराते हैं तो हम लोगों को मिलता है अल्केन एंड ये मिल रहा है हम लोग को। चलो तो अभी हम लोग जल्दी से इसको मिथेनॉल के साथ भी करा के देख लेते हैं, और मैं यहाँ पे ले लेती हूँ मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड ड्राईथर की प्रेजेंस में। ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा बच्चों हम लोग का, और यहाँ पर H प्लस वाला, तो ये H प्लस इस CH3 के साथ बना लेगा मीथेन। तो मीथेन को प्रिपेयर करने की भी ये बहुत अच्छी मेथड है बच्चों, एंड देन मैग्नीशियम के साथ आ जाएगा हमारा ये वाला पार्ट नेगेटिव वाला, ये बना। तो बहुत ही इजीली हमने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट और जो प्राइमरी अल्कोहल्स है उसकी रिएक्शन करा दी द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, और प्रिपेयर कर लिया है अल्केन। ओके, तो नोट करिए इसको, रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। नाउ नेक्स्ट है हम लोग का केमिकल रिएक्शन जो है बच्चों, वो है रिएक्शन विद कार्बोक्सिलिक एसिड। अब इसको एस्ट्रिफिकेशन भी बोलते हैं। अब एस्ट्रिफिकेशन क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें एस्टर की फॉर्मेशन होगी। तो अल्कोहलिक ग्रुप, जो अल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप है उसके टेस्ट के लिए भी लेबोरेटरी में हम लोग एस्ट्रिफिकेशन ही करते हैं। क्या किया जाता है इसमें, तो हम इसमें लेते हैं अल्कोहल, और अल्कोहल की रिएक्शन कार्बोक्सिलिक एसिड, मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड होना चाहिए, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड ये रिएक्शन नहीं देगा। तो ये है हमारा मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड एसिटिक एसिड। तो हमने क्या करते हैं, हम लोग इसमें टेस्ट ट्यूब में एसिटिक एसिड लेते हैं, अल्कोहल लेते हैं जो हमारा गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, उसके बाद हम इसमें कुछ ड्रॉप कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की ऐड कर देते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा डिहाइड्रेटिंग एजेंट या प्रोटॉन डोनर की तरह वर्क करेगा, डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह यहाँ पर ये वर्क कर रहा है। तो होगा क्या यहाँ पे, तो ये H प्लस यहाँ से निकल जाएगा, और ये वाला नेगेटिव ग्रुप। इसके अलावा यहाँ पर ये वाला H प्लस और ये नेगेटिव ग्रुप, अब क्या बन जाएगा यहाँ पे, तो मैं यहाँ पर भी ले लेती हूँ इसको CH3 ही। तो ये बनेगा बच्चों हम लोगों का एस्टर CH3 CO CH3। सॉरी मैंने ये वाला इसमें बॉन्ड ब्रेक किया, ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा इसमें, ये तो ये बन गया हमारा बच्चों एस्टर और वाटर, ये हो रहा है हमारा। ठीक है, मिथाइल अल्कोहल जब एसिटिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो यहाँ पर H प्लस जो है रिलीज करके OH नेगेटिव के साथ वाटर फॉर्म कर लेगा। अब ये जो इसका ग्रुप है हमारा एसिटिल ग्रुप, ये इस एल्कॉक्सी या मिथॉक्सी ग्रुप के साथ एस्टर फॉर्म कर लेता है। जैसे चलिए हम एक और रिएक्शन देख लेते हैं इसकी, ये है हमारा 1 डिग्री एल्कोहल, और इसमें OH बॉन्ड इजीली ब्रेक हो गया, और यहाँ पर मैं ले लेती हूँ फिर से एसिटिक एसिड,
कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, ये वाला नेगेटिव पार्ट इस वाले पॉजिटिव पार्ट के साथ बॉन्ड फॉर्म कर लेगा कुछ इस तरह से, और ये बन जाएगा हमारा एस्टर। दिस इज मिथाइल इथेनॉइड, यहाँ पे मैंने C2H5 ले रखा है, तो दिस इज इथाइल इथेनॉइड, दिस इज इथाइल इथेनॉइड। इसका IUPAC नेम हम लोग देखें तो इथाइल इथेनॉइड, और साथ में निकल रहा है बच्चों वाटर मॉलिक्यूल। ओके, तो कुछ इस तरह की रिएक्शन होती है एस्टरिफिकेशन में, जिसमें एस्टर की फॉर्मेशन हो रही है बच्चों। अल्कोहल, व्हेन अल्कोहल रिएक्ट विद एसिडिक एसिड, द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड टू फॉर्म एस्टर, एंड दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एस्टरिफिकेशन। तो यही है एस्टरिफिकेशन रिएक्शन, जिसमें फ्रूटी स्मेल हम लोगों को मिलती है इस एस्टर की, चाहे वो मिथाइल इथेनॉइट हो या फिर इथाइल इथेनॉइट हो, कुछ भी हो सकता है। तो लेबोरेटरी में जनरली हम लोग इथाइल इथेनॉइट ही प्रिपेयर करते हैं, फ्रूटी स्मेल वाला जो कंपाउंड है, दिस इज यही है हमारा एस्टर। तो चलिए इसको नोट कर लीजिए। तो बच्चों अब ये रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड में जो लास्ट रिएक्शन है वो है हमारी एसाइलेशन, और एसाइलेशन हम करेंगे रिएक्शन विद एसिड क्लोराइड और एसिड एनहाइड्राइड। तो ये दो चीज़ें हम लेंगे और इससे हम एसाइलेशन करा देंगे, इसको इस रिएक्शन को ही बोलते हैं एसाइलेशन, एसिटिल ग्रुप की एंट्री। तो सबसे पहले मैं एसिड क्लोराइड ले लेती हूँ बच्चों, दिस इज एसिड क्लोराइड, या इसको एसिल क्लोराइड भी बोलते हैं, और इसकी रिएक्शन अल्कोहल के साथ, तो मैं अल्कोहल को कुछ इस तरह से लिख देती हूँ इस बार, ये तो ये वाला बॉन्ड हमारा, क्योंकि 1 डिग्री अल्कोहल है मिथेनॉल, ब्रेक हो जाएगा, और यहाँ पे कार्बन हैलोजन बॉन्ड पोलराइज हो जाएगा, तो ये कुछ इस तरह से इसका पॉजिटिव पार्ट इसके नेगेटिव पार्ट के साथ क्या फॉर्म कर लेगा बच्चों, CH3CO और ये आ रहा है हम लोग का, तो यहाँ पर भी हम लोगों को मिल रहा है बच्चों एस्टर, और साथ में मिल रहा है HCl, दिस इज ये साथ में हम लोगों को मिल रहा है HCl। तो ये हो गया हमारा एसाइलेशन, एंड देन इसके अलावा हमको क्या करना है, एसिड एनहाइड्राइड। तो एसिड एनहाइड्राइड हम ले लेते हैं जल्दी से, एसिड एनहाइड्राइड, और अब एसिड एनहाइड्राइड की रिएक्शन फिर से मैं अल्कोहल को कुछ इसी तरह से लिख रही हूँ, ये हमारा 1 डिग्री का अल्कोहल मिथेनॉल है, OH बॉन्ड क्लीव करने की ये रिएक्शंस है। तो हम यहाँ पर, अब यहाँ पर कैसे बॉन्ड टूटेगा, तो भाई ये वाला आप तोड़ लीजिए या फिर ये वाला, तो यहाँ पर मैं इसको यहाँ से इस तरह से ब्रेक करती हूँ, कोई भी कर सकते हैं आप, यहाँ से भी कर सकते हो, बोथ आर इक्वल। तो ये हो गया हमारा पॉजिटिव पार्ट और ये वाला आ गया नेगेटिव। तो होगा क्या बच्चों, पहले हम ये पॉजिटिव पार्ट लिख लेते हैं फटाक से, क्योंकि पॉजिटिव वाले पार्ट को हमेशा लेफ्ट में ही लिखा जाता है। तो मैंने CH3CO ले लिया, एंड देन इसके बाद देखो मैं यहाँ से ले रही हूँ इसका नेगेटिव पार्ट, और इस बार भी हम लोगों को मिल चुका है एस्टर बच्चों, RCOR, और इसके अलावा जो हम लोगों को मिला है CH3COO, और ये H प्लस उसके साथ चला गया, एसिटिक एसिड, या इसको हम बोलते हैं इथेनॉइक एसिड। तो ये थी रिएक्शन अल्कोहल्स की, 1 डिग्री अल्कोहल की, मीन्स रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड वाली जितनी भी रिएक्शंस थी बच्चों, वो अभी हम लोगों ने कंप्लीट कर ली है। ये लास्ट रिएक्शन थी इसकी एसिड क्लोराइड और एसिड एनहाइड्राइड के साथ 1 डिग्री अल्कोहल की, जिसको हम एसाइलेशन भी बोलते हैं। तो यहाँ हम लोगों ने देखा कि एसिड क्लोराइड हो या फिर एसिड एनहाइड्राइड हो,
दोनों ही के साथ हमको एस्टर मिल रहा है, बस एसिल क्लोराइड के साथ हमको बाय प्रोडक्ट में HCl मिला है और एसिड एनहाइड्रेट में हमको इथेनोइक एसिड या जिसको हम एसिटिक एसिड बोलते हैं वो मिला है। ओके, तो बाकी की जो दो रिएक्शंस हमारी रह गई हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ में उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज के लिए इतना ही, पढ़ते रहिए, ऑल द बेस्ट।